गुड लक कैफे एंड रेस्टोरेंट मुरिया बाजार दरभंगा। स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो बार बार आएं, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो हमारा पता है गुड लक कैफे एंड रेस्टोरेंट, पंचायत भवन के निकट मुरिया बाजार दरभंगा, पिन कोड 847115, प्रोप्राइटर इरशाद और अर्शी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7820845179 पर कॉल करें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का दरभंगा लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय दरभंगा रेलवे जंक्शन के अधिकारियों से बस सिर्फ एक ही सवाल है कि ये एस्केलेटर जब बना तब से बंद पड़ा है। बीच बीच में कभी एक आध दिन आधे एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, वरना ये एस्केलेटर हमेशा बंद रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकिब जया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल दरभंगा लाइव। दरभंगा लाइव के स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार राज्य के दरभंगा रेलवे जंक्शन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी लोग इस एस्केलेटर को आम सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आप महिलाओं को भी देख रहे हैं जो आम सीढ़ी की तरह इस एस्केलेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आम सीढ़ी की तरह आने जाने का काम कर रहे हैं। तो ये हालात हैं दरभंगा रेलवे जंक्शन के एस्केलेटर का, जिसे काफी समय तक बनाया गया, लेकिन अब हालत ये है कि लोग इस एस्केलेटर पे इतना लंबा चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, और ये एस्केलेटर फिलहाल अभी बंद पड़ा है। तो ऐसे में इस सुविधा का इतना पैसा लगाने का क्या फायदा है। और देखिए, यहाँ पर मिथिलांचल के कई मिथिलावासी अब ट्विटर पर दरभंगा जंक्शन के बंद पड़े इस एस्केलेटर पर ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दरभंगा सब कैपिटल नाम के इस यूजर ने ट्विटर पर लिखा, गजब खराब व्यवस्था है, जब लिफ्ट बंद ही रखना था तो लगाया ही क्यों। वैसे ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। वहीं पर अगेन उन्होंने एक और ट्वीट लिखा है कि इस एस्केलेटर को शोपीस के लिए बनाया गया है क्या, दरभंगा जंक्शन पर हमेशा लिफ्ट बंद रहता है। लिफ्ट का मतलब उनका कहना है एस्केलेटर से। उन्होंने आगे ये कहा कि इस वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग सभी लोगों को लिफ्ट रहने के बाद भी पैदल सीढ़ी पर चलना पड़ता है, अफसोस। तो वाकई में ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम आपको बताते चलें कि बहुत ही तामझाम के बाद, काफी लंबे इंतजार के बाद ये लिफ्ट यानी एस्केलेटर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन हुआ, और कई वर्ष लग गए इस एस्केलेटर को तैयार करने में। और जब ये चालू हुआ तो ये एस्केलेटर अपनी योग्यता साबित नहीं कर पा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एस्केलेटर पहले चलता था, लेकिन अब ये दरभंगा जंक्शन पर बंद पड़ा है। इस एस्केलेटर को देखने वाला कोई नहीं है। दरभंगा जंक्शन पर बंद पड़े इस एस्केलेटर को लेकर शायद अब मिथिलांचल वासी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दर्शकों, अब आप लोग भी इस बंद पड़े एस्केलेटर के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो फटाफट इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, फैला दें, ताकि जल्द दरभंगा जंक्शन पर बंद पड़ा ये एस्केलेटर शुरू हो जाए, चालू हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो इससे पहले ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई तो फटाफट एक लाइक जरूर से कर दें। साथ में कोई राय या कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन यानी घंटे को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।